हाँ जी मेरे प्यारे किसान भाइयों, सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और ये जो वीडियो है बहुत ही मैंने अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है। ये ना जो स्पेशल वीडियो है ये है नरमे कॉटन BT पर और BT6 पर बेस। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी मेरा अभी इंडिया में ही था, अपने राजस्थान में गंगानगर में। तो वहाँ पर जो BT नरमा है बिजाई की है गुलाबी सुंडी ने, और बारिश से या भी आप नकली बोल दो, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का। तो मैंने सोचा भी इस पे वीडियो बनाई जाए। तो पहले तो आप ये देखो, यहाँ का नरमा इस तरह से ही हुआ पड़ा है। ये देखो काना है यहाँ पे, ये देखो आप, ये क्यारा जो है ये मेड़ विधि पे बीजी थी और इसमें अभी घास फूस बहुत हो गया। तो पहली बार का है ये, नहीं तो 2-3 चुगाई पड़ती हैं। लेकिन अभी नरमा यहाँ पे ख़राब हो गया, तो ये सारा किसान ने सोचा भी एक बार में चुग देंगे। और कुछ इस तरह से ये है, यानी कि सारा सूखा पड़ा है और सारे का सारा ये खिल गया। और इसे यहाँ पे इंडिया में तो आपको मालूम है भी आदमी इसको चुगते हैं। और ये जो चुगा पड़ा है ये देखो आप, ये सारा का सारा जो सुंडी की वजह से ख़राब हो गया था या गल गया था, ये देखो आप, ये देखो गुलाबी सुंडी ने ये बीच में से इसके पूरा शेर कर रखा है। और ये जो रह गया अभी रह गया, ये इसको बस उखाड़ डालेंगे, अभी चुगने के बाद साथ के साथ उखाड़ डालेंगे। और उसके बाद मैं बात करूंगा जो ऑस्ट्रेलिया में BT6 नरमा होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे बिजाई करते हैं। यहाँ का तो अपने को मालूम है, अभी बेड पे बीज रहे हैं, यानी कि मेड पे, उसके पहले सीधा ही बीजते थे मशीन से। तो ये आदमी यहाँ पे चुग रहे हैं, ये देखो लेबर यहाँ पे लगती है। और अब की बार तो जमींदार को बहुत ही ज़्यादा यानी कि घाटा हुआ, यहाँ पे चुगारे भी नहीं मिल रहे। तो ये आप देख ही रहे हो यहाँ का, ये सिर्फ मैंने कंपेयर करने के लिए बनाई है, ताकि हर एक बंदे को, किसान को पता लग सके हम कहाँ पे खड़े हैं और बाहर वाले जो फॉरन वाले वो कहाँ पे खड़े हैं। ये देखो आप ऐसे ये जोली बांध के चुगते हैं। सबको मालूम है, आप मेरे से ज़्यादा समझदार और सियाने हो, तो मेरी तो छोटी सी कोशिश है ये बताने की। तो ये तो आपने देख लिया अभी क्या कुछ है, और बीज भी नकली आ रहे हैं, दवाइयाँ भी सब कुछ है यहाँ पर, इतनी गुलाबी सुंडी काबू नहीं पाया सका पाया जा सका। लेकिन किसान को खून के आंसू यहाँ पर रुला दिए, बीज ने भी, नरमे ने भी, और जो भी है यहाँ के नीतियाँ हैं वहाँ, क्योंकि मुआवजा अभी तक नहीं मिलता यहाँ पे, बहुत कठिन है यहाँ का सिस्टम। ये आपने देख लिया यहाँ का, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताया करें आप, और क्या उसमें कमियाँ रह जाती हैं ताकि मैं आगे से वो सुधार कर सकूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक आप। हाँ जी किसान भाइयों, पहले तो ज़मीन को अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलिया में ये जोतते हैं ऐसे, और उसके बाद इसको बिल्कुल ब्रीक कर लेते हैं, बिल्कुल ब्रीक, ठीक है। उसके बाद ये ना जो मेड़ बनाते हैं या बेड पे अपने कह देते हैं नरमा बीते, ये 6 लाइनें एक बार में लेके जाता है। और इसकी आप देखो चौड़ाई में ये लाइनें, ऊँचाई में नहीं है इतनी। और उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइजर डालते हैं ऑर्गेनिक, वो इसमें मेड़ पर ही डाल देते हैं, पहले ही डाल देते हैं। और जो बिल्कुल बीज के जब बोते हैं तो उसमें साथ के साथ असर कर देता है, ये ताकत वाला यानी कि कोई प्रोडक्ट है इनका, ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद जब बीज डालते हैं तो ये बीज की मशीन देखो आप, कितनी हाईटेक मशीन है, एयर प्रेशर पे ये मशीन चलती है और इस तरह से ये बिजाई करती है, ठीक है। पूरा का पूरा ये यानी कि समतल जैसे होता है कंप्यूटराइज, तो उसमें बिल्कुल एक साथ ये बिजाई होती है। और उसके बाद सबसे मेन काम जो आ जाता है भाई साहब, वो आ जाता है पानी का, खुला पानी यहाँ पे भी देते हैं। लेकिन इनकी स्कीम देखो आप, ये नक्का नहीं करते खाले में, पाइपों से देते हैं, और पाइपों से पानी रिस के जाता है जब मेड़ पे, तो वो पानी जल्दी नहीं मांगता, ठीक है। ये इनका बहुत ही अच्छा जो है वो इनकी स्कीम है, ऐसे पानी जाता है, अपने भी करते हैं लेकिन अपने पानी जल्दी वो नक्का जब कर देते हैं खाले में, खुला लगाते हैं तो जल्दी चला जाता है उसके बाद, इसलिए अपना यहाँ पे नरमा कोई भी फसल जल्दी पानी मांगती है। तो ये टिंडे देखो आप, कितना एक ग्रेस है टिंडे में भी, इसके BT6 नरमा है ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है।
प्रॉपर इसे चेक करते हैं। बहुत बड़ा फार्म होता है ये, छोटा मोटा फार्म नहीं होते वहाँ पे। कोई भी फार्म हो गए तो बहुत बड़े होंगे, इसलिए जब बड़े फार्म होते हैं तो स्प्रे भी वहाँ पर जहाज से करते हैं या जैसे भी उनको अच्छा लगता है, तो जल्दी काम निपट जाता है। आप देख रहे हो उसमें कितने बंदे लगे हुए हैं, वो भी थोड़ा नोट करना। नोट करने वाली जो चीज़ है आप मेरे को ज़रूर बताना। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ पे आ जाता है तो ये आप देखना, ये सारे का ठारा नरमा हरा खड़ा है और पत्ते भी साथ में खड़े हैं। लेकिन देखो नरमे का खेड़ देखो आप कितना इसका अच्छी तरह से खिड़ा हुआ है ये। और जब ये सारा खिल जाता है तो ये लास्ट में एक स्प्रे करते हैं पत्ते गिरने वाली, ठीक है। पत्ते लास्ट में गिर जाते हैं और पत्ते गिरने के बाद आप जब इसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी सफ़ेद चादर ही दूर तक है, कोई दरख्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सफ़ेद ही सफ़ेद देखेगा। इतनी सफ़ेदी होती है कई बार तो जैसा लगता है भी आँखों पे एनके लगाएं, यानी कि इतनी आँख में इसकी चमक पड़ती है, ठीक है। और जब ये मशीनें एक दो नहीं कम से कम 5-10 मशीनें एक ज़मींदार के खेत में चलती हैं, ज़मींदार भी क्या कंपनी होती है उनके खेत में चलती है फार्म में, और साथ के साथ ये इसको इकट्ठा करती है, रैप भी करती है ताकि ये बरसात में ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और ये देखो कोई बंदा नहीं है, सारा का सारा इसने चुग के एक जगह पे डेरी लगा दिया। और जब ये सब चुगा जाएगा, मशीन इसका काम निपटा देगी, तो ये एक जगह से जहाँ पे इनका मेन गोदाम है वहाँ पे इसे ले जाएंगे, ठीक है। कितनी हाई टेक तकनीक है ऑस्ट्रेलिया की, आप हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी को बोलते हैं तो वो बोलता है भी ऐसे नरमा कैसे चुग जाता है, लेकिन अभी हम आप आँखों से देख रहे हैं इसे, तो हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं उनसे। तो पहले आपने देखा था कितने बंदे लगे पे हैं अपने इंडिया में, कितनी खपाई होती थी, लेकिन ये देखो आप हाई टेक तकनीक है यहाँ की, दिमाग से काम करते हैं गोरे वहाँ पे। अभी इसे ले गए यहाँ से जो मेन इनका गोदाम है कंपनी का, वहाँ पे इसे एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। सारी कंप्यूटराइज मशीन है ये देखो आप, कोई बंदा इस गांठ को नहीं उतार रहा, अपने आप ये कंट्रोल करके ये इसे नीचे उतार रही है। ये देखो इस पर भी कोई बंदा नहीं है, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है ये। इसे ये वहाँ पे जहाँ पे मेन फैक्ट्री है वहाँ पे इसे लेकर जाया जाएगा। और ये देखो बीज एक तरफ निकाल दी और जो रुई रह गई वो एक तरफ निकल जाएगी और उसकी गांठ बनेगी कम से कम 15 से 25 क्विंटल तक, ठीक है। और इसकी आप सफाई देखो, बिल्कुल क्या बताऊँ यार, शब्द नहीं है, वो सफ़ेदी जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। और जब इसको फैक्ट्री में लेके जाएंगे, जो काम हमारे पहले बुजुर्ग करते थे या हमारी माताएं दादी करती थी, कि चरखे से सूत बना के काटती थी, फिर उसका वो आगे कंबल धागा जो भी बनता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिमाग लगाया। कितना दिमाग लगाया होगा भी, सारा का सारा काम एक बंदा ही वहाँ पे मशीनें कर रही हैं, कितना ये निपटा देते हैं इसे। देखो आप धागा बन रहा है इससे, पहले ये मोटा धागा बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे इसकी जरूरत होती है, उसके बाद इसे ले जाकर ब्रीक धागा बनाते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट में चली जाती है और पैक होकर मार्केट में बेचने के लिए चली जाती है। ये मेरा मकसद तो यही था बताने के लिए भी अपने कहाँ पर खड़े हैं और वो बाहर वाले कहाँ पर खड़े हैं ज़मीन के मामले में और खेती के मामले में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे को अपने सुझाव भी दें ताकि मैं आगे से अच्छी और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरा मकसद तो ये होता है भी, मैं खुद किसान हूँ तो मैं किसानी से जुड़ा हूँ और हर एक को जो कोई नई बात मेरे को लगती है, यानी कि मेरा ध्यान ही सिर्फ खेती में, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में या कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो मैं उसके बारे में अपने किसानों को बताऊं। तो आप सबका धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे भी इससे और रिलेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा, मूंगफली की अभी है, गाजर कैसे निकालते हैं उसकी सारी फुल वीडियो डिटेल के साथ पड़ी है। तो आप सबका धन्यवाद।